अरिशा सिद्दीकी अभी तक आई नहीं है, मैं उन्हें अलाउ कर देती। अच्छा अरिशा सिद्दीकी को मैंने अलाउ कर दिया ऑप्शन रिकॉर्डिंग का। अच्छा अब देखें यहाँ पे कि मैं यहाँ पे क्या डिफाइन कर रही थी कि आपके पास लास्ट टाइम मैंने आपसे जब डिस्प्यूट की बात करी थी, तो डिस्प्यूट के अंदर हर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपसे क्या बात कर रही थी कि आप जितनी भी वैल्यू कैलकुलेट करोगे वो सब क्या करोगे, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन से करोगे। और मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन क्या कह रहा था, सिंपली सम करना कह रहा था। हर वैल्यू को दूसरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना, ऐड करना, हर वैल्यू को दूसरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना और ऐड करना, यही काम था। तो अब ये इसी काम को अगर हम कंटिन्यूस के अंदर अप्लाई करना चाहें, तो कंटिन्यूस में अप्लाई करने के लिए हमें क्या करना होता है, उसकी इंटीग्रेशन परफॉर्म करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये काम करने के लिए हमें क्या करना होगा, उसकी इंटीग्रेशन परफॉर्म करनी होगी। और इंटीग्रेशन परफॉर्म करने के लिए जो फार्मूला है वो ड्राइव होके क्या आया है, वो ये है कि आपने उसकी लोअर लिमिट से अपर लिमिट पे इंटीग्रेट करवाना है। और ये एक्स का जो कीवर्ड है, ये आपने हर मीन कैलकुलेट करने में लाजमी लगाना है, और उसको मल्टीप्लाई करना है फंक्शन ऑफ एक्स से। तो ये आपके पास जो फॉर्मूला होगा, ये क्या होगा कि कंटिन्यूस मीन का आपने क्या निकाल लिया, अर्थमेटिक मीन निकाल लिया। इसी तरीके से अगर आपको कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन का ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करना है, तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। हार्मोनिक करना है तो ये, मीडियन इस्तेमाल करना है तो ये, क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल, मीन डेविएशन, ये सारे फॉर्मूले आपके पास क्या है, गिविन है। फॉर्मूले गिविन है, इन फॉर्मूले को सिर्फ क्या करना है आपने, सबसे मतलब इसको इंटीग्रेशन पे अप्लाई करना है, और आपके पास हर चीज कैलकुलेट हो जाएगी। किसकी कैलकुलेट हो जाएगी, मीन कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल की, कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन की। अगर आपको मीन कैलकुलेट करना है या कुछ भी कैलकुलेट करना है, तो ये फॉर्मूले आपके पास क्या है, गिविन है। और ये फॉर्मूले ड्राइव फॉर्मूले है, मतलब एज पर थ्योरम जो है वो आपके पास ये गिविन है। आप इन फॉर्मूले को इस्तेमाल करके इजिली मीन कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपके पास गिविन है। अब ये सारी चीजें मैंने आपको गिविन की है, लेकिन डेफिनेटली हम इसमें से ज्यादा चीजों पे तो फोकस नहीं करते, लेकिन मैंने इसमें से जो आप पे फोकस करवाया है वो मीन कैलकुलेट करना सिखाया है और एक हार्मोनिक मीन। सिर्फ इन दो फॉर्मूले को कैलकुलेट करना सिखा रही हूँ, क्योंकि हर फॉर्मूला इसी तरह ही कैलकुलेट होगा। लेकिन बस जाहिर सी बात है, हर फॉर्मूले की एक एक एग्जाम्पल को समझाना काफी लॉन्ग बन जाता है, लेकिन इसलिए मैंने जो है वो सिर्फ दो कैलकुलेशन परफॉर्म करवाई है आपके लिए, एक अर्थमेटिक मीन और एक हार्मोनिक मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर अर्थमेटिक और हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करना आ गया, तो बाकी तमाम चीजें भी कैलकुलेट कर सकते हो आप। किसके लिए कर सकते हो, कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो चलो देखते हैं सबसे पहले मीन कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो मीन कैलकुलेट करने का सबसे पहले फॉर्मूला क्या है, एक्सपेक्टेशन ऑफ मीन, मतलब मेरे पास एक एफ ऑफ एक्स गिवन है, मतलब मेरे पास एक पीडीएफ गिवन है। पीडीएफ गिवन होने के ऊपर मुझे क्या अप्लाई करना है, पीडीएफ पे मीन कैलकुलेट करना है। जैसे लास्ट में मेरे पास एक पीएमएफ गिवन था, और उसपे मैं मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन कैलकुलेट करती थी, मतलब उसका मीन फाइंड आउट करती थी। अब यहाँ पे भी मेरे पास एक पीडीएफ गिवन है, और उसपे मुझे क्या अप्लाई करना है, मीन फाइंड आउट करना है। तो मीन फाइंड आउट करने के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या गिवन है, फॉर्मूला गिवन है इसे लोअर लिमिट से अपर लिमिट पे इंटीग्रेट कराओ, एक्स लिखो और मल्टीप्लाई करवाओ फंक्शन ऑफ एक्स और डी ऑफ एक्स। तो सबसे पहले फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो इसकी लोअर लिमिट अपर लिमिट क्या है, 0 से 1। इस फंक्शन का मुझे मीन निकालना है, लोअर अपर एक्स हमारे पास एस पर फॉर्मूला आया, और ये क्या है आपके पास, ये पूरा फंक्शन ऑफ एक्स, ये फंक्शन ऑफ एक्स आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया, और डी ऑफ एक्स क्या है आपका, इंटीग्रेशन का कीवर्ड कि आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स करवा रहे हो। ठीक है भाई, ये आपने क्या कर लिया, ये आपने सबसे पहले फॉर्मूला ऑफ मीन के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब जब फॉर्मूला ऑफ मीन सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो अब आप इसमें इंटीग्रेशन अप्लाई करें। इंटीग्रेशन करने के लिए सबसे पहले ये एक्स वैल्यू है, सबसे पहले ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट आपको पता है बाहर निकाल देते हैं, कांस्टेंट को बाहर निकाल दिया, एक्स को आपने मल्टीप्लाई करवा दिया, एक्स एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स क्यूब। अब ये हमारे पास फंक्शनली प्रॉपर जो है वो तैयार हो चुके हैं इंटीग्रेशन के लिए। अब हम इस पर इंटीग्रेशन अप्लाई कर देते हैं, इंटीग्रेशन पावर 2 है, इंटीग्रेशन में ऐड करेंगे एक पावर तो क्या हो जाएगी, 3, 3 पे एक मंथ पावर ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगी, 4। तो अब आपने यहाँ पे इंटीग्रेशन अप्लाई कर दी एक एक वैल्यू पे, एक एक वैल्यू पे इंटीग्रेशन अप्लाई करने के बाद आप इस पे क्या करोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। आपने इस पे अपर लिमिट लोअर लिमिट अप्लाई करी, इस पे भी अपर लिमिट लोअर लिमिट अप्लाई करी, सॉल्यूशन किया, सॉल्यूशन करने के बाद आपके पास 1/3 एंड 1/4 आया, 1/4 को फिर आपने फाइनली से सॉल्व किया, तो आंसर क्या आया, 1/2। तो इसका मतलब है कि ये आपके पास जो है वो क्या है, फाइनली पीडीएफ, मतलब आपके पास पीडीएफ का जो है आपने मीन कैलकुलेट कर लिया। लेकिन अब इस मीन के लिए हमने क्या करना है, इस मीन के लिए जो है वो हमने
बेसिकली अब हमारे पास जो पीडीएफ हमने गिवन किया इसका हमने जो है वो मीन कैलकुलेट कर लिया, लेकिन इस मीन के लिए मैं मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन का कीवर्ड इस्तेमाल नहीं करूंगी क्योंकि ये कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर डिस्क्रीट में मीन निकालना होता तो शायद मैं यहाँ पे मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन का कीवर्ड यूज करती, चूंकि कंटिन्यूस डेटा था तो कंटिन्यूस डेटा के फॉर्मूले के मुताबिक सब्स्टिट्यूट कर लिया। अब एक और मैंने हार्मोनिक मीन भी निकाल के समझाया आपको कि भाई हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, उसे किस तरह सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो देखिए हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला क्या है कि हार्मोनिक मीन ये कहता है कि आप इसे लोअर लिमिट से लेके अपर तक के इंटीग्रेट करवाएं और 1/x क्या होगा एज अ कॉन्स्टेंट वैल्यू, क्योंकि ये डेरिवेशन प्रूफ है कि जब भी आपने कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन का हार्मोनिक मीन निकालना है तो आपने उसे मल्टीप्लाई करना होगा किससे, 1/x से। 1/x से मल्टीप्लाई किसको करवाओगे, फंक्शन ऑफ एक्स, और उसके बाद आप उसका इंटीग्रेशन अप्लाई करोगे तो फाइनली जो आंसर होगा वो क्या होगा आपका पीडीएफ का जो है वो हार्मोनिक मीन कैलकुलेट हो जाएगा। तो हार्मोनिक मीन के लिए सबसे पहले फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, फंक्शन हमारा वही इस्तेमाल किया जो मैंने अभी मीन के लिए इस्तेमाल किया था, लेकिन फॉर्मूले के मुताबिक क्या है 1/x इसके साथ ऐड हो गया। तो फिर जब आपने 1/x के साथ इसको ऐड करवाया तो सबसे पहले क्या करवाओगे, इसे मल्टीप्लाई करवाओगे, 6 की वैल्यू का आपने कांस्टेंट बाहर कर दिया, 1/x से आपने मल्टीप्लाई करवाया, तो 1/x से आपने मल्टीप्लाई करवाया, x x से कैंसिल हुआ 1, और 1/x का मतलब है x स्क्वायर एंड x, इसका मतलब है सिंपल 1 बचा, सिंपल x बचा, ठीक है। अब ये आपके पास रेडी है, किस लिए रेडी है, ये आपके पास रेडी है आपके इंटीग्रेशन के लिए। फिर आपने इस पे इंटीग्रेशन अप्लाई कर दी, इंटीग्रेशन अप्लाई करी, इंटीग्रेशन अप्लाई करने के बाद लोअर लिमिट अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करी, और फाइनली आपके पास जो आंसर आया वो आपने क्या किया कि ये आंसर बेसिकली आपके पास क्या है कि ये आपने जो है वो पी डी एफ का हार्मोनिक मीन कैलकुलेट कर लिया। तो इसीलिए देख रहे हो ये सिंपल फॉर्मूले हैं, बस ये फॉर्मूले सब्स्टिट्यूट करते जाएं, फंक्शन ऑफ एक्स की जगह अपने फॉर्मूले को सब्स्टिट्यूट करते जाएं और जो वैल्यू आती जा रही है वो आपकी मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, परसेंटाइल, मीन डेविएशन, हर तरह की कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। तो इसीलिए सिंपल चीज थी, इसलिए सिर्फ मैंने आपको दो एग्जाम्पल करके दिखा दी। बाकी ये है कि आपको एग्जाम्पल में अगर फॉर्मूले भी याद हैं तो काफ़ी हैं, इसके बाद आप कोई भी कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। तो ये आज जो है वो आपकी स्लाइड्स थी, अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो आपके पास जो है वो मैं कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आपके साथ शेयर करूँगी, जिसमें आपके पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सपोनेंशियल, गामा, यूनिफॉर्म, इस तरह की कुछ कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आपसे शेयर करूँगी, ठीक है। और फिर कुछ ज्वाइंट प्रोबेबिलिटीज वगैरह के कॉन्सेप्ट देखेंगे और फिर शेयर होंगे। तो उसके बाद जो है वो फाइनली ये काम करना है आपने, इसके लिए अच्छा ये लेक्चर यहाँ पे स्टॉप कर रही हूँ। अब जो आपने करना है वो क्या करना है, वो आपने करना है बेसिकली लैब परफॉर्म करनी है। तो ज़रा लैब के लिए मैं आपको समझा दूँ कि लैब में आपने करना क्या है, ताकि फिर आपको समझ आ जाए कि भाई लैब किस तरह परफॉर्म करनी है। एक मिनट, अच्छा यहाँ पे देखो भाई सुनो, यहाँ पे मैं लैब परफॉर्म करवा रही हूँ, लैब नंबर 3, और यहाँ पे जो मॉर्निंग वाले हैं उनकी कोई भी लैब शायद नहीं हुई है, तो वो पहले लैब नंबर 3 को परफॉर्म करना सीख लें, फिर यहाँ से मॉर्निंग वाले स्टूडेंट चले जाएंगे तो फिर सिर्फ इवनिंग वाले रुक जाएं, मैं आपको लैब 1 और 2 भी बता दूंगी। तो जरा आप इनके साथ अभी सिंपल जो है वो क्या सीखेंगे, लैब 3 ही कंक्लूड करना सीखें, फिर मैं आपको जो है वो एक एक करके बाकी की 2 लैब्स भी समझा दूंगी। अब फरमाइए मिस, हार्मोनिक मीन में आखिर में उसको पलटना भी पड़ेगा जो वैल्यू हमारे पास आएगी? नहीं, 1/x की फॉर्म में ही लिखोगे? नहीं, जैसे हार्मोनिक मीन 3 आ रहा है ना हमारा, हाँ, तो उसको 1/3 नहीं करेंगे? नहीं, अच्छा। वो 3 जो है वो नहीं, एक मिनट रुको, मैं रुको फॉर्मूले से सेट करके बता रही हूँ, वेट एक मिनट रुको स्टूडेंट, एक मिनट, एक बार मैं खुद देख लू जरा। हार्मोनिक मीन 1/x की फॉर्म में आ गया, फिर ई ऑफ 1/x, नहीं आपको पलटना पड़ेगा, 1/x की फॉर्म में लेकर आना होगा, क्योंकि e किसके ऊपर बराबर है, 1/x पे बराबर है, और 1/x का मतलब है आपने अभी सिर्फ और सिर्फ हार्मोनिक मीन कैलकुलेट किया है। हाँ, इसे 1/रेशियो में लिखना होगा, जो भी आपने हार्मोनिक मीन कैलकुलेट किया है उसको 1/रेशियो में लिखना होगा, क्योंकि इसका फॉर्मूला है 1/h, तो h आपका 3 आया तो 3 को 1/3 लिखोगे, ओके मिस, ठीक है। अच्छा भाई, अब मैं आपके सामने जो सारे फॉर्मूलास याद कर, नहीं बेटा इतना टाइम कहाँ है आपके पास, छोटा सा सेमेस्टर है, सारा थोड़ी अप्लाई करना होगा, कोशिश करना कि कुछ अप्लाई कर लो, एक जिस तरह मैंने 2 अप्लाई करवा दिए, अब 3-4 तुम लोग खुद अप्लाई कर लेना,
सही है, इस तरह करना, या फिर असाइनमेंट में ले लो, असाइनमेंट में एक एक ओके करके फॉर्मूला अप्लाई करके कोशिश करना, सिर्फ एक एक, क्योंकि काफी लंबे लंबे फॉर्मूले होते हैं ना, कोई एक क्वेश्चन सही उठा लेना उस पर सारे फॉर्मूले अप्लाई कर देना। अच्छा भाई, अब ये आपके सामने जो है वो एक लैब की स्क्रीन शेयर हो रही है,